रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बख़ैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में। आज अगर आप हमारे सेट को थोड़ा सा गौर से देखें तो किस चीज की याद दिलाता है आपको? सेट को देख के क्या याद आता है? पुरानी फिल्में याद आ रही हैं, अपने पुराने हीरोज याद आ रहे हैं, स्टार्स याद आ रहे हैं, और हाँ कल्चर हमें अपना याद आ रहा है। जो हमारा एक फिल्म देखने जाएं, फिल्म के सिनेमास के बाहर भी इस तरह की कोई एक होता था होटल या कोई एक ऐसा खोखा जहाँ पर पोस्टर भी लगे होते थे, चाय भी पी जाती थी, फैमिली गेट टुगेदर भी होता था। और इसी तरह के जो बहुत सारी छोटी छोटी जगह हैं वो हमें जहाँ हम ट्रैवल करते हैं, जीटी रोड पे जा रहे हों या किसी भी और मोटरवे पे हों या किसी शहर में ट्रैवल कर रहे हों, हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे जगह ज़रूर नज़र आती है जहाँ पे आप जाएँ तो आपको खालिस कड़क वाली चाय मिलती है, वहाँ की दाल बड़ी कमाल किस्म की होती है, वहाँ पर जो गाने चल रहे होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। आपको एकदम आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएँ वहाँ पर तो जितना मर्जी लंबा सफ़र आप कर रहे हो आपको लगता है कि जैसे आपकी सारी थकान उतर गई, आप दोबारा से रिफ्रेश हो गए, होता है ना ऐसे? तो हम लोग बड़े शौक से रुकते हैं ऐसी मकामात पे, जगहों पे, और बड़ा इंजॉय करते हैं उसको। और अब तो सेल्फीज लेने की भी लगाते हैं कि फलां जगह पे, फलां हम ढाबे पे या फलां ढाबे पे हम गए थे और वहां पे जाके हमने इस तरह से इंजॉय किया था। सो ये एक सिलसिला जो है उन लोगों के लिए और भी ज्यादा खास है जो परदेसी हो जाते हैं, जो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं ना, उनको जब याद आती है मुल्क की तो जब इस मौसम में उन्हें आम याद आते हैं, उस मौसम में इन्हें यहाँ के रंगारंग हमारे खोखे, हमारी ये कैंटीन्स, हमारी ये जगह नज़र आती हैं, यहाँ की कड़क चाय याद आती है, तो वहाँ पे वो जो खूबसूरत सुरीले नगमे हैं ना जिनको हम आज आपके सामने पेश करेंगे वो नगमात भी याद आते हैं। इसीलिए हमारे ज़्यादातर सिंगर जो हैं मुल्क से ज़्यादा मुल्क से बाहर परफॉर्म करते हैं, कि जो लोग मुल्क से बाहर होते हैं उन्हें यहाँ की रिवायात की, कल्चर की ज़्यादा एक कदर होती है, और हम लोगों को अंग्रेज़ बनने का ज़्यादा शौक होता है। हम लोग अंग्रेज़ बनने के चक्कर में रहते हैं और जो बाहर होते हैं वो ज़्यादा देसी और ज़्यादा पाकिस्तान की चीज़ों के साथ इन टच होते हैं, और ओल्ड फैशन होना जो है उसमें तो कोई मसला नहीं है। सो आज हम हैं जीटी रोड के किनारे लाला जी के होटल पे। कैसे हैं लाला जी? अल्लाह का शुक्र है, आपसे सब खैरियत। अच्छा, ज़बरदस्त। आज आपको पता है हमने आपके होटल पे एक मेला से जाना है। क्या बात है जी। और उस मेले में जो मेहमान है, जो फनकार है, महान है, और पहले मेरे जो मेहमान हैं वो जिस कलाम के साथ और जिस नाम के साथ शुरू करते हैं और जिस नाम ने उनके नाम को बड़ाई अता की है वो सब नामों से बड़ा नाम, और क्या बात है उनकी परफॉर्मेंस की कि उनका रंग अंदाज जो है एक नारा मस्ताना है, और सारी दुनिया में अपने जुदा गाना अंदाज की वजह से पाकिस्तान की पहचान के तौर पर जाना पहचाना जाता है। सो मेरे साथ है इस वक्त साई ज़हूर। थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, तशरीफ रखें, बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें। बड़ी इज्जत अफजाई हमारी आप यहाँ पे आज आए हैं, और हम आपसे म्यूजिक भी सुनेंगे, बातें भी करेंगे। मौला पण तन पा कर्म कीती रखे बेटी, मेरी दरवेशी से ये दुआ है कि मौला सब ते खैर करे। आमीन आमीन। अच्छा, हमने जैसे आपको बताया कि आज पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की ट्रेडिशन, पाकिस्तान का फोक, पाकिस्तान की आवाज़ें, ये तमाम चीज़ें जो कि हम ढाबों पे जाके सुनते हैं और हमें लगता है यार ये हमारे गाने थे, ये हमारे लोग थे, कितना अच्छा लग रहा है इस वक्त सुनना। सो एक लम्हे के लिए आप यही इमेजिन करें, फील करें, आप किसी ढाबे पर कड़क सी एक चाय के कप के साथ बैठे हुए हैं और अपने खूबसूरत, अपने उन नामवर लोगों को सुन रहे हैं कि जिन पर पूरी दुनिया, जिनको पूरी दुनिया में लोग जो हैं पाकिस्तान से बुलाकर सुनते हैं और उसको बड़े एजाज़ की बात समझते हैं। सो मेरी अगली जो मेहमान है एक खूबसूरत आवाज की मालिक, मेरे साथ है अफशा जी। क्या कमाल गीत जो है वो अफशा जी ने गाए हुए हैं, जिसमें जिंदगी तमाशा बनी, सजना आवी जा, दिल किसे दना तोड़ी, और बेशुमार और बहुत से गाने। सो ये गाने जो कमाल किस्म के हिट्स हैं आज आप सुनेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बड़ी कमाल किस्म की आवाज जो अब भी गा रही है और हमारे दिलों पे राज करती हैं, मेरे साथ हैं नूरा लाल। तो नूरा लाल जो है उनको भी कमाल हासिल है कि क्या ऊंची तानों और स्वर वाले गाने जो है आराम से निभा लेती हैं। सो आपने जो कवर गाए हुए हैं मैडम के, आज हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मलका इस्लामी नूरजहां के वो खूबसूरत गाने जो है वो हमें उनकी याद दिला दें, एक दफ़ा से दोबारा से ताज़ा करवा दें, जिनको हम बहुत पसंद करते हैं।
और उसके साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत बड़ा नाम जिनको ये एहसास हासिल है कि जितने उन्होंने गीत गाए कम ही लोग जिंदगी में इतने गीत गा सकते हैं, और जो गाना वो गाते हैं वो हिट होने के लिए गाते हैं, इसलिए कि हर एक गाना उनका बहुत पसंद किया जाता है। कुछ तो ऐसे हैं जो लोगों को उनकी जिंदगी की दास्तान लगते हैं, और वो उसके उनको कहते हैं कि गमदा राही अकरम राही। राही साहब कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत आप में। आप बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, आप अभी तक राही हैं? हाँ, आपसे देर बाद मुलाकात हुई, लेकिन माशाल्लाह आप भी इसी तरह ही हैं, हम भी कोशिश की है कि हम भी इसी तरह रहें। हाँ जी, इंशाल्लाह आप तो सदा बाहर हैं, आपको तो आपके तो फन को कोई सवाल नहीं है। तो फिर अच्छा, लेकिन राही से मैं ये पूछ रही थी कि राही को कभी ना कभी मंजिल मिल भी जाती है ना, तो इस राही को मंजिल और मंजिल को राही से? असल में हुआ ऐसे कि जब मंजिल मिलने से बाद हम राही बने, मंजिल गुजर गई और फिर राही बन गए। वाह वाह वाह, तो मंजिल आगे गुजर गई। अब उसको कैसे, गुजरी चीज को कैसे वापस लाया जा सकता है, तो इसका मतलब ये सफर का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जारी है। सही, गुफ्तगु हम अपनी कंटिन्यू करेंगे, और जैसे मैंने आपको कहा है आज आप पाकिस्तान को फील करने के लिए, पाकिस्तान की आवाज को सुनने के लिए तैयार हो जाए। एक ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत खूबसूरत साईं जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बहुत सारी बातें और बहुत सारा खूबसूरत म्यूजिक। जनाब, आज हम आपको एक नई सुबह में मिलवा रहे हैं पाकिस्तान के उन बड़े नामों से, उन फनकार लोगों से जिनको के पूरी दुनिया उनके फन की वजह से, उनकी खूबसूरत आवाज की वजह से जानती है, और जो पाकिस्तान की शनाख्त, इसका चेहरा और पहचान है। सो आज हम अपना फोक कल्चर, हमारे जो गुड ओल्ड डेज या हमारे वो गाने जिनके साथ हमारी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, जो हमें आज भी सुनना अच्छा लगता है, वो हम आपको सुनवा रहे हैं। और मेरे पास मेरे तमाम मेहमान जो हैं बहुत काबिले कदर, अकरम राही साहब, मेरे पास अफशन जी साहिबा, मेरे पास साईं जहूर साहब और नूरा लाल, सबका बहुत शुक्रिया आने का। अरे साईं जी, ये इश्क दा कोई सिरा हाथ लगा जे? बेटी, जो इश्क है मौला नु इश्क ना होंदा तो नूर क्यों पैदे करता। वाह, जद अलिफ तो आप अकला था उदा तबकू की निशानी ते अल्फू मीम पवरदा कीता सु सिर टोपी गल गानी। वाह, कन्नी तारे बदली चमकी जो बदली चमकानी ते कौन फैया कून आवाजा आया के मैं तबकू हीर दीवानी। वाह वाह, टोपी सी हजरत मौला मुश्किल कुशा शेरे खुदा, दोरसी हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हसीसी सैने खतून रोजी अल्लाह ताला अन्हा। इश्क है तो उसकी जात। बिल्कुल बिल्कुल, असल हक सच्चा इश्क है। मैं हर दफा साईं जी से जब मिलती हूँ, मैं पूछती हूँ साईं जी ये यादाश्त माशाल्लाह कहाँ से आई, इतना कलाम जो आपके अंदर है माशाल्लाह, और ना आपको पर्चे की जरूरत पड़ती है ना कोई पढ़ते हैं आप देखते हैं, ये के कहां से? बेटी, ये मेरे मुर्शिद का कर्म है, वो अहले बैत का कर्म है, जिन्ना दे दास्तान दिती हुई सीने ते लगे सीना बसीना है। बहुत खूबसूरत। अच्छा, कुछ यही बातें जो है अकरम जी आपके साथ भी, मतलब माशाल्लाह हर गाना आप ये सोच के बनाते हैं कि हिट होना है या हिट करना है, या ये असल में कुछ चीजें होती है जो इंसान को तजर्बे के साथ आती है। तो मैं छोटे तबके से ऊपर गया हुआ, ऊपर तो नहीं मैं कहता, मैं अभी भी वही हूँ, ये सब कुछ उसका कर्म है, लेकिन मुझे पता है कि एक बैल चलाने वाला शख्स जो है उसको किस तरह की मौसीकी अच्छी लगती है। अच्छा, एक गाड़ी चलाने वाले को किस तरह की अच्छी लगती है। फिर अल्लाह ने ये भी वक्त दिया कि ये भी पता चला कि लैंड क्रूजर चलाने वाले को किस तरह की मौसीकी अच्छी लगती है। तो हर एल्बम में बैलेंस करके रखता हूँ ताकि एक 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 सॉन्ग हर तबके के लिए गाता हूँ।
तकरीबन कितने एल्बम आ चुके हैं और कितने गाने जो हैं? मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि जो जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, पूरी दुनिया में किसी फोक सिंगर के इतने एल्बम नहीं जितने अकरम राही। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कोई एक गिनती, कोई एक फिगर, कोई याद? उसका एक मसला है ना, मैं बता देता हूँ कि पहले मेरा एल्बम रिलीज होता था महीने के बाद, फिर कंपनियां ज्यादा हुई, फिर आ गया 15 दिन के बाद, अच्छा, फिर आ गया 8 दिन के बाद, अच्छा, और ये भी वक्त आया कि एक एक दिन में चार चार कंपनियों ने चार चार एल्बम बयास वक्त निकाले और अल्लाह की रहमत हुए हिट हुए, लोगों ने पसंद किया। तो टोटल फिगर जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन जो होता है ना कि एक गाना इधर से निकाला दूसरे में डाल के वो एल्बम बना, उसमें तो हजारों की तादाद है, लेकिन जो गाना मैंने जिंदगी में रिपीट नहीं किया या जितने किसी फोक सिंगर के नहीं, वो 200 एल्बम है। माशाल्लाह, 200 एल्बम जी, 200। और एक एल्बम में कितने गाने होते हैं? 8 गाने होते हैं। जो आपने मुझे बताया कि एक दिन में 4 एल्बम आपके रिलीज होते हैं, तो होते थे, अब तो कंपनियां मर गई, बंद हो गई, हाँ मुश्किल आ गई, लेकिन जब होते थे तब मेरा ख्याल है आप सोते हुए भी गाते होंगे, खाना खाते हुए भी गाते होंगे। आपको सुन के हैरानगी होगी कि आज हमें लोग देखते हैं ना, कि मैं कल का वाकया बता रहा हूँ, कुछ लोग मुझे मिलने आए, उनमें औरतें भी थी, और कहती हैं कि राही साहब हम आपको सुनते सुनते बूढ़े हो गए, आप अभी भी इसी तरह हैं। मसला ये है कि इंसान 2-3 काम है जो फनकार ना करे तो कभी जिंदगी में ना फलाब होता है ना गरीब होता है। अच्छा, नशा ना करे, फजूल इश्क ना करे, फजूल इश्क वो होता है कि उधर शो किया, उधर से फोन आ गया, जानू मेरे लिए एक सोने का गिफ्ट लेके आना, और ले गया अपनी माँ के पाँव में जूता भी नहीं, और इश्क वालों को सोने का हार लेके दे रहा है, वो फजूल इश्क। चाय बन रही है जी, बिल्कुल। कैसी चाय पियेंगे जी? लाला जी आपके होटल पे चाह रहे बात है, ढाबे पे चाह तो अच्छी मिलती है, वो उसके बाद अगर हम गए शहरों में ऐसी चाय मिल जाए तो वो पता नहीं उनके हाथ में बरकत नहीं है या क्या वजह, ढाबे वाली चाय और शहर की चाय में फर्क होता है बिल्कुल। ईमानदारी होती थी, आप आए वैसे रखी हुई मैंने। अच्छा, ये मतलब भी आपका है जी, ये जो मैंने सबसे पहली भैंस ली थी ना, उसमें से 4 हुए थे। माशाल्लाह, हम तो आप लोगों के फैन हैं जी, हम भी कभी गाना गाते थे भरा जी, शुक्र है अब नहीं गाते। हाँ नहीं, मैंने गाना गाया ATV नहीं जी जी, उनकी बिल्कुल टीवी के सामने जाकर मैंने गाया, 50,000 रुपए इनाम दिया उन्होंने, वो कहते कोई और काम कर लो, ये गाना आपके पास का रोग नहीं है। अब तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आपकी किस्मत में लिखा हुआ था ये, लेकिन एक कभी ख्याल आता है, कोई सोच आती है कि ना होता मैं सिंगर तो मैं क्या होता? ना होता तो क्या होता? मेरा ख्याल है हमारे भाई हैं, हमारे जूनियर हैं इब्राहिम हक साहब, बड़े नाम वाले सिंगर हैं हमारे, एक बार ये सवाल मैंने उससे किया, मैं कहा यार इब्राहिम अगर मैं सिंगर ना होता तो क्या होता, कहता तू पटवारी होता। तो अगर सिंगर, वैसे अगर कैमरा वाकई दिखाए और आपका वास्ता कभी पटवारियों से रहा हो तो कोई शक की बात नहीं कि नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि उत्ते अल्लाह थल्ले पटवारी, इसमें शक की कोई नहीं, शुक्र है। कंप्यूटर के आने का सबसे बड़ा फायदा ये कि पटवारीइज्म जो है ना वो अब खत्म हो रहा है। देखिए फरा जी, ये देख रहे कि इतनी देर गुजरने के बाद, ये अल्लाह का करम है, चलो हमारे मुल्क में तो हालात इस तरह के बन गए कि फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। अब जब हम जाते हैं ना स्टूडियो में तो वहाँ घर बने हुए 3-3 मरले के, 5-5 मरले के, तो दुख होता है कि यार यहाँ कभी रौनकें होती थी, ये हमारा असासा होता था और आज यहाँ मकान बन गए। लेकिन इसके बावजूद भी, बेशक वो अच्छे है या बुरे हैं मैं इस चीज़ की बात नहीं करता, लेकिन फनकार की कदर आज भी हमारे हमसाये मुल्क में ज्यादा की जाती है। जैसे अभी हमें बुलाया, इस उम्र में मैं दारा फिल्म करके आया हूँ जो अगले महीने के पहले वीक को लग रही है। दारा फिल्म, और उसमें आप हीरो आ रहे हैं? भाई कुछ ना कुछ किया है मैंने उसमें। नहीं मतलब दो काम होते हैं, या तो हीरो आने वाला हीरो, उसमें मैंने गया था, मेरे पास टाइम कम था। अच्छा, मैं कहा जी उतना करेक्टर करा लो जितना इस टाइमिंग में मैं करूँ, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के वीजे हम लेते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल वीजा इंडिया का है इस वक्त, तो हमारे पास टाइम कम था, तो इसलिए हमने उनको बोला कि भाई जितने इतने टाइम में जितना काम मुझसे करवा सकते हैं उतना उन्होंने मुझे करेक्टर दिया, लेकिन वो बहुत बेहतरीन है, जब लोग देखेंगे तो पसंद आएगा, पसंद करेंगे।
तो अल्लाह करे कि हमारी ये जो इंडस्ट्री है ये भी रिवाइव हो। अकरम राही साहब बैठे हुए, गुफ्तगू चुकी आपसे ज्यादा हुई, तो मैं अफशान जी और नूरा लाल से पहले अफशान जी तो माशाल्लाह हमारी बहन है, सीनियर है, नूरा जी भी हमारी बहन है, वो मुझसे है जूनियर लेकिन है तो बहन है, लेकिन अफशान जी तो सासा है बहुत कमाल का। एक गाना जो है ना, इनको भी पता है कि बहुत, मैं आपको पता है जिंदगी जिंदगी तमाशा बनी, मेरे जिंदगी का मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है, मैं उसकी कुछ सुना दे जी जरूर, उसके बाद बातचीत भी करते हैं। मैं उसकी बहुत 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 खूबसूरत, मतलब अफशान जी क्या खूबसूरत, माशाल्लाह। तो ये पाकिस्तान की खूबसूरत आवाजें जिनसे आज मिल रहे हैं, गपशप भी और म्यूजिक भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। खुशामदी जनाब, आज हमने लाला जी का होटल सजाया है यहाँ पे, ताकि वो जो एक हमारा कल्चर है पाकिस्तान का, जिसको देखने के लिए लोग अक्सर ना, अब्बू आपने हमें कभी गांव नहीं दिखाया, हमने कभी पाकिस्तान नहीं देखा, हमें पता नहीं है किस तरह की जगह है, और फिर हम कुछ एक छोटा सा अपने घर में कोई आर्ट पीस रखते हैं ट्रक का या चीजों का, और हम कहते हैं ये पाकिस्तान। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो आपने भी जाके इस तरह के कपों में चाय जिंदगी में कभी ना कभी जरूर पी होगी, इसके ऊपर ये जो चाय के निशानों का मजा है ना, ये आपको अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर बहुत सोफिस्टिकेटेड सी किसी जगह पे चाय पीने में आ ही नहीं सकता। ये जो मगे हैं इनमें जो चाय मिलती है और जो वो कमाल चाय होती है उसके साथ, मुझे तो ये निशान बहुत अच्छे लगते हैं। अगर जिस दिन मैं जाके ढाबे पे चाय पीऊँ और ये निशान ना हो कप पे, तो मैं देख के लेती हूँ जिसपे ज्यादा वाले निशान है, मैं वो वाला उठा के पीती हूँ, मुझे एंजॉय करना आदमी ने पूरा फ्लेवर करे ना, फिर उसमें क्यों हम मैं भी शर्माते रहे झिझकते रहे। आज हमारी पाकिस्तान के कमाल फनकार साईं ज़हूर साहब, अफशान जी, अकरम राही, हमारे पास नूरा लाल, ये तमाम खूबसूरत आवाजें जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। नूरा लाल ट्रिब्यूट करेंगी मलका तरन्नुम नूरजहां के कमाल खूबसूरत लेजेंडरी आवाज, जो कि रहती दुनिया तक जो है वो लोग याद करेंगे। मैंने आप चाह भी बात कर रही थी, चाह नहीं चाहती साहब, असी तुहाडे फैन आ, मतलब समझो असी फर्क है ना, अल्लाह तुहाडा जिहड़ा है ना, एक कोई ऐसा मुसलमान नहीं दुनिया ते जिहड़ा पंजाबी ज़बान समझदा होए तेनू अल्लाह दा ना पता, कोई ज़बान ना पता, राही साहब बहुत बड़े आदमी है, कोई ज़बान ना समझदा। देखो जी असि सत्तां सुरां च गाने आ, साईं तिन्नां सुरां चों अपना सुर बह के पुछे है, मैं कहा साईं जी तीन तारे हैं, सारे सुर कैसे लगते हैं, चलदे तीन तार सो तार सुर एक तारा तिन्न तन 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 ਭਜਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗ ਹਰ ਹਰ ਸੁਰ ਨਿਆਰਾ ਤਨ 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 ਭਜਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰਬ ਹਯਾਤੀ ਜ਼ਰਬ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਜ਼ਰਬ ਪਰਵਾਤੀ ਕੁੰਬਾ ਕਹਿਰਾ ਆਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਰ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅੰਬਲ ਦੀ ਰਾਹ ਨਿਜ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਰਕਤ ਡਾਂਟੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਸਹਾਰਾ ਤਨ 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 ਭਜਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪ ਬਣਾਵੇ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਅਪਰਮ ਪਾਰਾ ਉਹਦੀ ਹੂਕ ਨੂੰ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦਾ ਆਪੇ ਚਾਰਾ ਸੱਚੇ ਸੁਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਪਦਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬੰਜਾਰਾ ਤਨ 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 ਵੱਜਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ ढाबे के नहीं है आप लोगों का नहीं 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 चाय ढाबे के अंदर गई है तो साईं और वेख लो गल ये बात होती है कितने बड़े लोग आए हैं ये बात होती है जी जी साईं ने कितनी अच्छी बात की राही साहब हम इनके फैन हैं हाँ जी साहब जी जाके पैसे ले के जान देना ही लेनू अच्छा राही साहब आ जाओ पुत्र से हाथ भी फाड़ लो उस्ताजी ये कह रहे हैं कि एक तारा आसमान पे तो कितने ही तारे होते हैं अच्छा बेटा असल एक तारा होता बाकी आप जैसे होते सारे ये बताएं जैसे अफशान जी को मैंने फरमाइश की अभी नूरा लाल जी चूंकि ठीक है हम गा देते हैं नूरा लाल जी को भी सुनना है बहुत बड़ी स्टार है हमारी फेसबुक वाला सुनाए या फिर जा नहीं तो खुशियां माने मुझे आप सिर्फ इतना बताएं
कि ये जो ऑडियंस बैठी है या जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनको पसंद आए या सिर्फ आपको पसंद आए, ये बताएं। आपको पता है मुझे क्या पसंद आएगा? हाँ जी वाकई लग गई शर्त, लग गई। चले बताएं मुझे क्या पसंद आएगा। लेकिन वो मैं अगर मैं अब गाऊंगा तो ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप भी रोएगी और ऑडियंस भी रोएगी, आखिर पे सुन लेते हैं। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। चले डन। उससे पहले ये जो बच्चे बैठे हैं ना उनको काफी सारी बातें साइंस की समझ आई और अधे तो ज्यादा नहीं आई, पूछ के सवाल करके पूछ ले उनको समझ कुछ तो आई नहीं। और साईं जी पंजाबी जबान में बच्चे पढ़े लिखे ने, अगर हम सुनाएं और इन बच्चों की समझ में आए फैसला यही बच्चे करेंगे। मेरे गीत खत्म होने के बाद सुना मैं देता हूँ। सुनाए आए आए जनाब प्लीज। ढाबे वाले का फल लो तो श्री सुनाए कप लेकर आओ। हाँ जी कप ले ले बेटिया। क्या बात है सर, थैंक यू। राइट साहब क्या जमाना शनास है आप, जिस दौर की जो बीट है, जिस दौर की जो आवाज है, आप सही नबस पकड़ते हैं आजकल के दौर की जो हमने इन्होंने बनाई है। ये म्यूजिक भी आपको कामरान अख्तर ने बनाया, ट्यून इसकी साजी अली ने बनाई, ठीक है। और एक टीम है हमारी, मैंने आपको शायद ये नहीं बताया कि हम जब गाना लिखते हैं, मैं शायर खुद लिखा मैंने, अच्छा जब मैं गाना लिखता हूँ तो मेरे सबसे बड़े जो मेरे सलाही होते हैं ना पंजाबी में, वो मेरा मैनेजर है राणा अख्तर वो और पूरी टीम बैठती है, चाय बनाने वाले से लेके मैनेजर तक, म्यूजिक डायरेक्टर से लेके उनकी गिटार बटार पकड़ने वालों तक पूरी ज्यूरी बैठती है, फिर मैं लाइन लिखता हूँ। और अगर सब लोग कहें कि ये लाइन ओके है तो ठीक है, अगर नहीं तो कैंसिल कर देता हूँ, दूसरी लिखता हूँ। और कभी 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 कभार ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि ज्यूरी का सिस्टम मैं इसलिए रखता हूँ, मैं खुद ब्रिटिश भी हूँ, अच्छा। अच्छे टाइमों में जिस सिंगर को इंग्लैंड से नेशनलिटी से नवाजा गया लेकिन मेरा पैसा को नहीं जबा, अच्छा। सब कुछ है। तो जिस बंदे को वहाँ पे ज्यूरी सिस्टम जब मैंने देखा ना जाके, तो मैंने सोचा कि ये लोग जो हैं ग्रेट ब्रिटेन कैसे बने, उन्होंने ज्यूरी सिस्टम रखा है मुकदमों में, हर काम में ज्यूरी सिस्टम, तो मैंने गायकी में ज्यूरी सिस्टम रखा, जिसकी वजह आपके सामने है। अफशा जी ने गाया माशाल्लाह, और हमने और एक फरमाइश मैं नूरा लाल जी से करूंगा, वो भी लोग देख लेना पसंद करते हैं कि नहीं, आंदा तेरे लिए मैं रेशमी रुमाल।
पाकिस्तान की आवाजें आज हमारे मेहमान आप उनसे मिल रहे हैं और उनको एंजॉय कर रहे हैं। राई साहब ब्रेक में कुछ आप कह रहे थे कि आपको माशाल्लाह हो गए 29 साल। मुझे 32 साल हो गए, अफसर जी को 45 साल। आपको कितने हो गए जी? आप हमसे जूनियर है। लुट मार की इंडिया पाकिस्तान जो लहदा आया 10 साल दे सन पूछ लो इन्हां की बताए लुट मार की थे कि नहीं। आप वाकया जो राय कह रहे हैं वो गल वाकया सही है। वो लूट मार कह रहे हैं। 10 साल हो गए लूट मार जो कह रहे हैं लूट मार कह रहे हैं। वो लूट मार जदा हिंदुस्तान से पाकिस्तान बक होया जदा पाकिस्तान आजाद होया है ना उस वक्त 10 साल दी उम्र जिते हाथ संदूक लगा संदूक ले गया जिते हाथ मज लगी है मज ले गया भाई यही लूट मार सी और की। अच्छा साईं जी तो गाना जो है वो किस उम्र में शुरू किया था गाना? है गाना तो बेटी पहले जो उम्र थी वो मैं दरवेशी से गुजारी। वाह 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 पहली उम्र दरवेशी तो दूजी सिंगिंग च ऐ भी मैं पहली ही सुनया। अमूमन लोग साई जी सिंगर बनने के बाद दरवेश बनते हैं। आप माशाल्लाह खुशकिस्मत है कि आप दर जवानी तोबा करदम सेवाए पैगंबरी। सुभान अगर जवानी में तोबा की हो माशाल्लाह। बेटा मैं ये बात करना कि 7 साल की उम्र च ख्वाब थी 3 साल पूरा ख्वाब रहा 10 साल हो गए उस वक्त हिंदुस्तान से पाकिस्तान बक हो उस तू लगते फिर उम्र गुजारी कुछ फकीरी देखी दरवेशी देखी पूरा पाकिस्तान फिर ठीक है। उस तू अलावा 10 साल मुसीकी च गुजारी अपने लाहौर दे ठीक है। हयात अहमद खान जनरल सेक्रेटरी सी सैयद वाजिद अली शाह मुसीकी का सदर होता 10 साल इतने सीखे अच्छा सीख तो उस तू बाद फिर मुलायत शुरू कर दिया। अच्छा अक्षर जी आपका माशाल्लाह 45 साल का सफर माशाल्लाह आपकी तो गोल्डन जुबली कह सकते हैं हम। हाँ जी हाँ जी तो ये मौला का करम ये कैसा रहा ये सफर और आपका अपने गाने इतने कमाल गाने आपने गाए हुए अपने गानों में से आपका फेवरेट कौन सा? मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं। ये जो मैंने पहले गाना गाया जिनकी की तमाशा बनी मेरा फिल्म का पहला गाना था वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे बहुत ज्यादा हिट बहुत सुपर हिट हुआ अभी तक हिट तो अभी तक हिट है। ये करम है अल्लाह का बिल्कुल इतन पाक का करम है। मैं तो कुछ भी नहीं लेकिन अब अभी तो मैं सीख रही हूँ मुझे गाना नहीं आता। इस बात से फनकारों को नए फनकारों को सबक सीखना चाहिए कि हमारी इतनी सीनियर फनकारा जिसको 45 साल हो गए वो कहती है मैं सीख रही हूँ बड़ी बात है सीख रही हूँ यहाँ थोड़ी सी गिटार बजानी आ जाए तो घर वालों से सलाम ले लेते पापा मामा बाबा वो ऐसे बात। साईं जी एक और आपसे कलाम जो है वो हम इस वक्त सुनना चाहेंगे जो आप सुनाना चाहें ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ Thank you.
आ चल बुलिया चलो उथे चली वे जिथे होवे ने अकाल दे अन्ने ना कोई तेरी जात पछाने वे हैया ना कोई तैनो मन्ने। सरकार ने की लिखिया मैं जाना जोगी नाथ नी मैं जाना जोगी नाथ जोगी देनाल नी नी मैं जाना जोगी नाथ अल्लाह 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 अल्लाहू 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 ओ अल्लाहू 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 ओ अल्लाहू 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 डिफरेंट फीलिंग्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की मौसीकी है। साईं साहब की मौसीकी, साईं जी की जो है ना वो सीधी रूह को अपनी ग्रिप में लेती है। असल में उसमें फर्क ये है ना कि किसी भी फनकार की पेंट नहीं फटी हुई, इसलिए अच्छा। आज डिफरेंट, आज वो जो जन्मत फनकार है ना, आज पाकिस्तान ये है, वो गोरू की कॉपी है। तो जो कौमें अपनी असलियत अपने कल्चर को भूल जाती हैं वो गुमराह हो जाती, गुमराह। ये है हमारा कल्चर। अच्छा, आपने कभी किसी से इंस्पायर आप भी हुई होंगी अफसर जी? हाँ जी, मैं क्यों नहीं, मैं मैडम नूरजहां से। मैडम नूरजहां वही पसंद है, ठीक शुरू से आप। क्या बात। अच्छा, आप कौन सा गाना हमें सुनाएंगी? राई साहब, अब कौन सा गाना की फरमाइश होगी? दिल के से उड़ाई जाओ, उड़ाई जाओ, उड़ाई जाओ, आज ये सबको पसंद आएगा। ठीक है, गुड्डी वांगू अज मैनू सजना, उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा, गुड्डी वांगू अज मैनू सजना, उड़ाई जा उड़ाई।
इश्क कमाना
चलिया इश्क हाँ इश्क हाँ इश्क कमाना औखा एल्बम का है जी। और इस एल्बम का नाम क्या है? इसका नाम है इश्क कमाना औखा। इश्क कमाना औखा, अच्छा वाह वाह क्या बात। अच्छा रईस साहब, बातें तो हम करेंगे और, लेकिन एक कोई आपसे भी गाना सुनना है, उसके बाद गपशप। मैं गाने से जरूरी को दो शेर, उसके बाद मैं गाना गा देता हूँ। ठीक है। साईं जी की मौजूदगी में दिल कर रहा है, क्योंकि मार्फत इन्होंने बहुत ज्यादा गाई, मियाँ साहब का कलाम भी गाया इन्होंने, लेकिन मियाँ साहब का कलाम मेरा ख्याल कि मेरी जितने भी एल्बम आए हैं जिंदगी में, शायद ही कोई एल्बम हो जिसमें मियाँ मोहम्मद साहब का कलाम ना हो, एक कलाम लाजमी होता है। उसकी वजह? उसकी वजह कि मियाँ साहब ने शायरी, जैसे साईं जी ने शायरी बोली, कुछ बच्चे हैं उनको समझ आई है, आधे से ज्यादा बच्चे हैं उनको पंजाबी ठेठ पंजाबी की समझ नहीं आई। मियाँ साहब ने ऐसी शायरी की, ऐसा सूफी कलाम लिखा कि जो 5 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बंदे को भी पता चलता है कि इसका मतलब क्या है। यानी आप कलाम की वजह से उसे ज्यादा गाते हैं। वो ऐसा लाइट उन्होंने शायरी लिखी कि हर बंदे को समझ आ जाती है, इसलिए मैंने प्लीज। तो मैं एक दो शेर, जो इंसान ज्यादा बातें करता है, मियाँ साहब लिखते हैं, चाहे मियाँ बीवी क्यों ना हो, ज्यादा बातें करने वाला मोमेंट हार जाता है। तो मियाँ साहब लिखते हैं कि अगर तू चुप रहो, साईं जी मियाँ साहब लिखते हैं कि अगर तू इंसान चुप रहे तो तेरा मुल की है, अगर बोलेगा तो तेरा मुल की है, हारे दा मुल तेरा। मियाँ साहब लिखते हैं, ओ चुप रहे ते मोती मिल सन, ओ ते जे सब्र करे ते हीरा, ते जे तैं तैं करे ओए मोहम्मद बख्शा, ते ना कचरा ना खीरा। मसकीनी बंदा ते अदल करे कुछ मेरा, ओ मैं बुरे नू ओ यारो ढूंढन चढ़िया, ते बुरा ना लभ्या कोई, ते जद मैं अंदर चाती पाई, ते मेरे जया ना कोई। ओ चोला पाड़ कली राकीता, ते सीना दी देसों का डो वे परदेसी कीता, ते जो मालिक दे है मर्जी। बहुत खूबसूरत,
आपका अंदाज जो है वो हमारे यहाँ के पंजाबी फोक सिंगर से बढ़कर जरा सिखों के अंदाज वो आपने अडॉप्ट किया है या आप उनसे मिलते हैं कि वो आपसे मिलते हैं? मैं एक मिनट में फैसला कर देता हूँ। ठीक, हमारी कास्ट बाजवा है। ठीक, और बाजवे सारे सिखों से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मेरे में खून तो वही है। सही, ठीक है। इसलिए वो आपकी आवाज है, वो आपके अंदर वो बोली है, जारी बात है। जब खून वो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे बड़े मुसलमान हो गए। अब आपने वो जो आपकी है ना नब्ज पकड़ने वाली एक रम्ज अवाम की, अब मुझे अब ये बताएं कि ये मेरा लास्ट सॉन्ग है या इसके बाद सुनना है। फिर प्रदेश के हवाले से मैं सुना देता हूँ। प्लीज, प्रदेशियों की आपने बार बार जिक्र किया तो प्रदेशी ऐसे होटलों पे ठहरते हैं। हाँ, तो किसी का मियां अपना साईं जी प्रदेश के हवाले नाल मेरे बहुत फेवरेट साईं जी हैं, जैसे नूरा जी हैं, अफशा जी हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे लिए काबिले इज्जत हैं। साईं जी का मैं फैन हूँ। राय साहब, मैं फनकार नहीं हूँ, मैं आप बहुत बड़े आदमी हैं। मैं तो एक आजिज या दरवेश है, भाई तो गल है। आज जो है जब मैं मुक्की तो वो आ गया। मैं मुक जाती है तो खुदा खुद आ जाता है। आज की तो एक चीज है, ये इनकी बातें सुन के ना फरा जी मुझे एक शेर याद आया, माशाल्लाह अब इनकी तो कोई जोड़ नहीं ना मिसाल नहीं। एक शेर याद आया मुझे कि उम्र भर हम यूं ही गलतियां करते रहे, उम्र भर हम यूं ही गलतियां करते रहे, धूल तो चेहरे पे थी हम आईना ही साफ करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सबकी तशरीफ आवरी का। आप सब माशाल्लाह, साईं जी, अफशा जी, आपसे इतनी बात नहीं हो सकी, बड़े लोग हैं आप, अकरम राही साहब, आप नूरा, आपके लिए बेस्ट विशेस, आगे आपके लिए तो लंबा मैदान है अभी, जो कि आप हर गुजरते दिन उसमें तरक्की हो। तो पाकिस्तान की खूबसूरत आवाजें जो कि हमारी पहचान है, इसे जानेंगे हम तो फिर हम इवेल्युएट कर सकते हैं ना कि क्या अच्छा क्या बुरा। जो हमें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने दिया क्या क्या फ्लेवर है, आवाज ही के रंग अंदाज और उसके सुर के कमाल ही देख ले तो उसी पे इंसान जो है वो शुक्र अदा करता है इतनी खूबसूरत प्यारी धरती पे। अकरम राही साहब, आपने कहा था कि जाते जाते आप कुछ ऐसा सुनाएंगे कि मेरी सारी ऑडियंस रोएगी, रुमाल निकाल ले सारे अपने। आप बेशक निकाल ले, मैं गाने से पहले कह रहा हूँ आप भी निकाल ले, कोशिश करें। हमारे पास दुपट्टे हैं यार, ये दुपट्टे हैं ना हमारे पास। आप ये बताएं कि आपकी अम्मी है ना? मेरी अम्मी, हाँ। अल्लाह ताला अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी दे। थोड़ा डीपली जाके सोच रहे जब मैं गाऊँ की जिन सहेलियों की, जिन लड़कियों की, जिन बहनों की माए नहीं उनका क्या हशर है। ये जेन में रख के आपने सुनना है। अल्लाह ताला आपकी मालदा को लंबी उम्र अता फरमाए, उनके सबकी माओ जिनके जिंदा है उनके माँ बाप को अल्लाह पाक लंबी उम्र अता फरमाए, और जिनके दुनिया से चले गए उनको ज्वारे रहमत का जगह दे। माँ से बड़ा रिश्ता कायनात में और कोई नहीं, और शायद मैं इससे अच्छा कुछ लिख भी नहीं सकता जो आप सुना रहा हूँ। शायद इससे अच्छा मैं ना लिख सकूँ माँ के ऊपर। बिल्कुल, माँ और बेटी आज तक हम यही सुनते रहे, बाबल मेरी ये गुड़ियां ये हम गाते रहे, तेरे घर रह गियां, बेटी और बाप का प्यार डिस्कस करते रहे। एक दिन अकेले बैठ के मैंने सोचा कि यार माँ और बेटी का एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता है, इस पे तो किसी ने डिस्कस ही नहीं की। थोड़ा मावा ते धियां रल बैठी निभाए इतना सुना, तो इस कलाम को मैंने इस अंदाज से लिखा कि बेटी की जब शादी होती है उसके लिए सबसे खुशी का मौका कौन सा होता है कि मैं पेके घर जाना है। हाँ। अम्मी के घर जाना है, पेका घर कहते हैं ना माँ के। जी जी। इससे बड़ी बेगम कोई बात ना माने, बेगम को सिर्फ इतना कह दो कि बेगम मम्मी अम्मी के घर नहीं जाना। हाँ। तो जो मर्जी मना लो उससे। हाँ। लड़ाई भी छोड़ देगी, सब कुछ छोड़ देगी। और वही बेटी जिस दिन उसको टेलीफोन आता है ना कि आ जाओ क्या हुआ है, कहते आज माँ अखा मीट गई, तो फिर उस बेटी से पूछना और गीत उसको सुनाना, खुद भी सुनना। मैं सुना रहा हूं। लेकिन पहले हम इजाजत ले लेंगे कि आपकी हर सुख खुशगवार हो, हर खुशगवार सुख का